आपने इस महामारी और लॉकडाउन के दौर में दिन की खबरें बहुत देखी, पर आज आप देखेंगे जनमत न्यूज में रात्रि 3:30 बजे की खबर। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आज रात 3:30 बजे की कानपुर के परमट क्षेत्र की है। ये जो विजुअल में जो लोग दिख रहे हैं, इनमें से कोई गंगा बैराज से यहाँ आया है, कोई परमट क्षेत्र का है, तो कोई कटरी से है। परमट सब्जी मंडी में ये सब्जी के थोक विक्रेता है। अब आप ही बताइए, एक साथ सैकड़ों की संख्या में ये लोग, जिनमें से अधिकांश मास्क भी नहीं लगाए हैं, ये सब्जी बेच रहे हैं या फिर कोरोना, ये आप तय करें। फिलहाल कानपुर में लगातार जिस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 75 हो गई है, ऐसे में ये नज़ारा एक डर जरूर पैदा करता है। जहां एक तरफ पूरे कानपुर शहर में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वहीं आप लगभग 4:30 से 5:45 बजे का ये समय है और आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से जो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए मैं किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। एक मिनट उधर दिखाइए कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। थोक सब्जी मंडी है ये परमट की, बहुत गंगा कटरी से बहुत सारे दुकानदार हैं, कुछ गंगा बैराज से भी आए हुए हैं। बात ये है कि जब ग्वालटोली जो कि बहुत नज़दीक में है यहाँ से, उसको सीज कर दिया गया, वो हॉटस्पॉट हो गया है। उसके बाद परमट की अगर बात करी जाए तो यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों ने बाहर कोई भी व्यक्ति ना आए इसके लिए बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन ये हालात जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अब आगे देखिए एक हैरान करने वाली तस्वीर। बहुत देर बाद जब हम ये खबर बना रहे थे तभी 2 पुलिस के जवान दिखे। हमने सोचा इतने लोग और 2 पुलिस के जवान, कैसे इनको बता पाएंगे कि सोशल डिस्टेंस कैसे बनाए। आखिर हमने पूछ ही लिया पुलिस के जवान से कि कैसे इतने लोग एक साथ यहां पर मौजूद हैं। तो सुनिए क्या कहा पुलिस के जवान ने। जानकारी में तो है सब्जी मंडी लगती है, लेकिन यहाँ रोज 4 बजे आ जाते हैं या 3 बजे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई समझाते इतना मानता नहीं है। नहीं, जहाँ एक तरफ परमट के आसपास के पूरे क्षेत्र ग्वालटोली भी सीज हो गया है और परमट में भी लोगों ने बैरिकेडिंग लगा दी है, कल क्षेत्रीय नागरिकों ने लगाई, प्रशासन की तरफ से नहीं लगाए, इतनी संख्या में लोग, क्या प्रशासन को जानकारी नहीं होती है? प्रशासन को जानकारी है, लेकिन अब मना भी तो नहीं कर सकते हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि दुकानें दूर दूर लगें और लोग दूर दूर रहें। और आखिर में देखिए कि दूसरे वाले सिपाही महोदय क्या कर रहे हैं। मोटरसाइकिल में बैठे ये पुलिस के जवान सब्जी रखकर बाइक से जा रहे हैं। एक बार फिर देखिए, ये बाइक घूमी और निकल गई। फिलहाल जनमत न्यूज का मकसद ये दिखाना नहीं कि जिससे किसी का अपमान हो, बल्कि ये दिखाना है कि अगर अभी भी कुछ लोग थोड़े से पैसे कमाने में और गलत को सही साबित करने में लगे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जाए कि कोरोना एक बहुत गंभीर बीमारी है, सबको एक साथ जुटकर इसको हराना ही है। पूरा मामला आज सुबह 3:30 और 4:15 बजे के बीच का है, जो भी आज अभी आपने फुटेज वगैरह देखे हैं। एक तरफ पूरे कानपुर शहर में कोरोना के मरीज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे हालात में ये भीड़ इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अभी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है। आपने पूरी खबर में देखा कि सैकड़ों की संख्या और सिपाही के नाम पे केवल 2 लोग, वो भी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ते नज़र आ रहे थे। देखने वाली बात यह है कि इस तरह के मामले अगर लगातार होते रहे तो कैसे पूरा भारत देश और ख़ास तौर से कानपुर इस महामारी से कैसे बच पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज़, कानपुर।